दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जियो का फोन है। जी हां दोस्तों, ये वही जियो का फोन है 1500 रुपए वाला जो आपने ऑनलाइन बुक किया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस फोन के अंदर में अगर आपने छेड़खानी कर दी है, उसे अगर आप वापस सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे जो है अपने हाथों से सही कर सकते हैं। और मान के चलिए इस फोन में वायरस आ चुका है, और वायरस के कारण अगर आपका ये फोन हैंग कर रहा है, तो उसे भी आप अपने हाथों से रिपेयर कर सकते हैं। और मान के चलिए इस फोन के अंदर में आपने जो है पासवर्ड सेट किया है, और वो पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, सिक्योरिटी कोड आपने लगाया है, वो सिक्योरिटी कोड का पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो उसे भी आप अपने हाथों से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर में जो है सिक्योरिटी कोड लगाया हुआ है, और इस सिक्योरिटी कोड का पासवर्ड जो है भूल चुके हैं, और इसे हम अनलॉक करना चाहते हैं अपने हाथों से। तो दोस्तों अगर आप भी अगर सिक्योरिटी कोड लगाए हैं अपने फोन में, और उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, तो उसे आप अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, सिर्फ अपने हाथों से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल की सिक्योरिटी कोड को हम अनलॉक करते हैं अपने हाथों से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल को अगर आप ऑफ करेंगे सिक्योरिटी कोड लगे हुए हालत में, तो ये मोबाइल ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस मोबाइल का जो बैटरी सबसे पहले आपको निकाल देना होगा। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल का बैटरी को पहले हम रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर से इस मोबाइल में हम बैटरी को लगा देंगे। और मोबाइल में बैटरी लगाने के बाद, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कई तरह से जो है इसका रिकवरी मोड आ सकता है। जैसे मान के चलिए स्टार बटन और पावर की का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहले आप स्टार बटन को दबाएं, उसके बाद आप पावर की दबाएं, तो इसमें जो है रिकवरी मूड आएगा। या फिर ऐसा करने से अगर आपका रिकवरी मूड नहीं आ रहा है, तो आप वॉल्यूम प्लस को पहले दबाएं, उसके बाद पावर की दबाएं, और जैसे मोबाइल ये जियो लिखेगा, तो उसके बाद आपको पावर की छोड़ देना है, और ऑटोमेटिक इसमें जो है रिकवरी मूड आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं इस मोबाइल में रिकवरी मूड आ चुका है। हमने स्टार बटन को पहले दबाया, उसके बाद पावर की दबाया, और जैसे मोबाइल ऑन हुआ हमने पावर की को छोड़ दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिकवरी मूड आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे आप रेड कलर के बटन को दबाएंगे, यस करने के लिए कहेगा, तो फिर आपको रेड कलर के बटन को दबा देना है, उसके बाद आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा। आपके मोबाइल की जो भी प्रॉब्लम होगी, सिक्योरिटी लॉक होगी, या मान के चलिए आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपका दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट कर देना है, तो आपको फिर से पावर की दबाना है, ये मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है रिबूट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।